मार्च कर रहे हैं आज, हम लोगों में जागरूकता लाने के लिए मार्च कर रहे हैं कि LGBTQIA क्या चीज़ है ना, क्यों हमारे राइट्स, हमारे रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सोसाइटी हैं वो बहुत चीज़ें दबा के रखती हैं, बट अब 2023 आ चुका है, मुझे लगता है कि अब वो दबी हुई चीज़ों को बाहर लाने का समय आ चुका है और हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारी जाने जाती हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है लोगों की, तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा है कि आज हज़ारों के आप देख रहे होंगे कितने लोग आए हैं, शायद इनके अब यहाँ पर इतने सारे के माँ बाप भी आए हैं, तो एक चीज़ें बदलाव जो आ रहा है, लोगों में बातें जो करना स्टार्ट हुई हैं, तो हम लोगों में सिर्फ जागरूकता लाना चाहते हैं कि क्या LGBTQI है ना, और क्यों लोगों को इसके बारे में अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो आई गेस बदलाव के लिए ही हम कि क्यों कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए इन चीज़ों के बारे में बातें करना, और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, है ना। जैसे आप एक स्ट्रेट बंदा हैं, है ना, और हमें यहाँ पर हम अभी आप देख रहे होंगे सब कितने खुश हैं, ये एक दिन की खुशी है, मैं चाहूँगी कि ये 365 डेज की खुशियाँ हों जहाँ पर हमें एक दिन रोड पर ना आना पड़े, है ना, और हमें हर रोज़ ऐसे आपको खुश होते हुए, अब मेरे जैसे आई एम अ ट्रांसजेंडर वूमेन, है ना, आपने सिर्फ लोगों या तो रोडों पे उनको सेक्स वर्क करते देखा होगा या फिर उनको भीख मांगते देखे होना पड़ेगा, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक बेटर उनको बेटर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें उनको मजबूरन वो काम ना करना पड़े। तो अब हम जब यहाँ पर इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बदलाव जो वाली चीज़ है कि हम भी वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो यहाँ पर एक समान आदमी, एक स्ट्रेट बंदा, एक सिसजेंडर हेट्रोसेक्सुअल बंदा या बंदी डिज़र्व करती है, वही सेम चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं। तो इस चक्कर में सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब बात ये है कि चीज़ों को हम जैसे इंडिया है, ये डेवलपिंग नेशन है, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में कभी भी हमें चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, है ना, जहाँ पर उनको सेक्स वर्ड सुनते वहाँ उनको उन चीज़ों को हटा दी जाती थी, है ना। तो सेक्सुअलिटीज़ के बारे में और ओरिएंटेशंस के बारे में बात करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे प्राइड इवेंट जब ज़्यादा होंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि जैसे स्कूल्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेजेस में भी इस चीज़ के बारे में? ज़रूर, मैं चाहती हूँ कि उनके कैरिकुलम में बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिससे बच्चों को जो बाद में दिक्कतें आती हैं, है ना, उनको उनके माँ बाप को जो इतनी दिक्कतें आती हैं बाद में, उनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है, है ना, तो उससे बच्चे की और उनके माँ बाप के बीच का जो रिलेशन है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल में, एजुकेशन प्रोग्राम में, कॉलेजेस में, उनके कैरिकुलम में ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए जहाँ पर उनको सेक्स नॉलेज के बारे में, जहाँ पर उनको सेक्सुअलिटीज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाए। तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आए, मैं चाहूँगी ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारे NGOs आगे बढ़ें इन चीज़ों को लेके कि हम आज एक दिन खुश हैं, शायद हम पूरे साल खुश रहें। फिर विदेशों में तो लेकर इसको लेकर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जागरूकता है, तमाम लोग उस लोगों को मानते भी हैं, लेकिन हमारे भारत देश में इस चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है, लोग पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं ये गंदगी फैला रहे हैं हमारे समाज में, हमारे समाज का जो है ढांचा खराब कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये वही लोग हैं जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर उन्होंने अपना धर्म या फिर अपना हिस्ट्री पढ़ी होती तो उनको पता चलता हो कि हमारा कितना योगदान रहा है, ट्रांसजेंडर रानियां रही हैं पुराने के टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जिनको ना पढ़ना है, है ना, और जो इतने वो अपने एक छोटे से गोले में से निकलना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के अलग अलग रंग रूप हैं, है ना, तो उनको मैं चाहूँगी कि भाई वो अपने हिस्ट्री को पढ़ें, इन चीज़ों को समझें और एक अपने तरफ से एक कदम उठाएं कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें कि वो जो नई चीज़ें उनको मिल रही हैं देखने को, उस चीज़ को समझ सकें। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप लोगों की भी खुशियाँ होती हैं, आप लोगों की भी इच्छाएँ होती हैं, तो उस लोग वो सामने वाला कैसे देखता है आप लोगों को, और क्या आपके पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट भी करते हैं इस तरीके की, या फिर और किस तरीके की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियाँ, मुझे 1.5 साल हो गया अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करे, तो ऑब्वियसली कॉलेजेस में जब ये चीज़ें आती हैं सामने तो लोगों को एकदम से वो जो झटका मिलता है, वो झटका इसलिए मिलता है क्योंकि पहले किसी ने इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने कभी अपने साथ इन लोगों को देखा नहीं है, क्योंकि उनको इतना ओप्रेस्ड कर दिया है पूरा लाइफ में, है ना, कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ उनको हायर एजुकेशन मिले,
है ना, उनको वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, तो वो हमें देख के ऐसा लगता है अच्छा ठीक है ये ट्रांस है तो या तो ये करती होगी या ये भीख मांगती होगी या ये सेक्स वर्क करती होगी। बट मैं इतनी प्रिविलेज हूँ कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिली है, मैं अच्छे स्कूल में गई हूँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ी हूँ और अच्छा करियर अपना बना रही हूँ, तो शायद मैं चाहूँगी कि मैं एक इस पोजिशन पर आऊँ कभी कि जहाँ पर किसी माँ बाप को देख, माँ बाप के सामने अपने बच्चों को अगर वो बोलते हैं कि बोलती हैं कि मैं ट्रांस हूँ, तो वो उन लोगों को ना देखें जो मजबूरन ये काम कर रहे हैं, वो ऐसे अच्छे उन लोगों को देखें जो एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच रहे हैं ट्रांस होके या गे होके या बाइसेक्सुअल होके, है ना, तो हमें एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक बोला गया था कि पैकेजेस वगैरह और आपको जो सैलरीज वगैरह दी जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी तक तो मेरे सामने तो कुछ स्कीम नहीं आई है। अभी रिसेंटली SRS के बारे में मुझे सुनने को मिला था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी स्टार्ट हो रही है, बट ऑन ग्राउंड जब हम बात करते हैं, कॉल करते हैं हॉस्पिटल में, तो कॉल पिकअप्स नहीं होती हैं, लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी आई गेस गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स लेके आने चाहिए जहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी, जो एक्सेस इन चीज़ों की है वो इजीली मिल सके, चाहे उसको डॉक्यूमेंट्स का काम हो, चाहे उनको सर्जरीज का काम हो, चाहे किसी भी तरीके का ट्रांजिशन का काम हो इन जनरल। तो मुझे तो नहीं लगता, ऑन ग्राउंड कुछ बहुत ही अच्छे NGOs हैं कि जो बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, तो आई गेस बहुत अच्छे प्रोग्राम की ज़रूरत है हमें। ये मेरी मम्मी हैं और इनकी ये पहली प्राइड है और हमारी एक ही डिमांड है कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो सभी को लोगों को मिलते हैं वही राइट्स हमें मिलने चाहिए, शादी का राइट मिलना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ खुल के जीने का राइट मिलना चाहिए। तो अभी वजह सिर्फ यही है, लोगों को झिझक है थोड़ी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लोग इस बारे में बातें करेंगे तभी ये चीज़ नॉर्मल होगी सबके लिए, कॉमन होगी बात करने में, घर घर में सब इसकी बात करेंगे तभी ये चीज़ हमारे लिए आम जनता के लिए आसान रहेगी समझने में। जो पुरानी गली व्यवस्था है वो भी एक रीजन है। सही बात है, भारतीय संस्कृति हमेशा इसको अपनाती आई है, पर अंग्रेज़ों के कारण हम इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सभी को इक्वल राइट्स मिले और सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें वो जैसे भी हैं। आप पहले ऐसे बेटे दिख रहे हैं मुझे कि अपनी माँ को लेकर आए हैं यहाँ पर और प्राउड से इतना बोल रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, आप बता रहे हैं बेटा अपनी माँ को लेकर आया है इस प्राइड में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आपका लेकर आया? यस यस, हम भी अपने बच्चों के साथ ही हैं। जैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों ने अपनी माँ को समझा है और नहीं तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को समझते हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम लोग आप लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं और आंकते भी हैं और ये भी कहा जाता है कि आप लोग अश्लीलता फैलाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ सोच है, वो सब अपने देखने का नजरिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो वही है जो पहले थे, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ गई ना, लेकिन सब अपना अपना नजरिया है सबका सोचने का। अच्छा, जो तमाम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनकी सनातनी इसमें तो ये माना ही नहीं जाता है, तो वो ये लोग कहते हैं कि इन तमाम लोग जो है ये गंदगी फैलाते हैं, और जबकि बाहर विदेशों में तो ये सब कॉमन है विदेशों में तो। यहाँ भी समझा जाना चाहिए, आने वाले टाइम में इंडिया में भी हो जाएगा ये कॉमन, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, आप लोग इतना खुशी मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सब बच्चों को देखकर। अच्छा लग रहा है, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, लेकिन अब जो बदलाव की ओर जो तमाम समाज को जाना चाहिए वो यही डिमांड लेकर के आए हैं कि इनकी डिमांड भी यही है कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के लिए हम लोगों को पहले अपने राइट्स समझने होंगे। अगर ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसको समझना होगा, आखिर हम तीसरे लोग होते कौन हैं इनकी आपसी और निजी जिंदगी में दखल देने वाले। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, सत्संग मार्ग, दिल्ली।